YouTube family, welcome to Masala Kitchen. आज मैं मसाला किचन में बना रही हूँ मसाला कलेजी. और मसाला कलेजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए है मटन की आधा किलो कलेजी. इसमें जाएगा 3 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून गरम मसाले का पाउडर. ये किस तरीके से मैं गरम मसाले का पाउडर रेडी करती हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मेरे चैनल पे मैं ये बता चुकी हूँ किस तरीके से गरम मसाला मैं रेडी करती हूँ अपने खानों के लिए, ठीक है. तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे सभी का दे देंगी. और इसमें जाएगा हसबे जरूरत नमक, आधा पाव दही, और यहाँ पे 5 अदद मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जिन्हें बिल्कुल देखिए छोटे छोटे मैंने क्वार्टर कट कर लिया है. और ये मसाला कलेजी जो मैं बनाऊंगी ये मैं बनाऊंगी ऑलिव ऑयल में. ये बहुत बेस्ट है अगर आप अपनी अच्छी सेहत के लिए कोई हेल्दी ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो. और कॉर्न, जैसा कि सबको पता है कि रफान कॉर्न ऑयल जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आप वो नहीं कर सकते हैं अफोर्ड तो आप ये करें. ये बहुत अच्छा है, रिजनेबल प्राइस पर है और ये बहुत हेल्दी है. ये मैं यूज़ कर रही हूँ और इससे खाना बहुत अच्छा बनता है और इसमें बहुत अच्छी सी हेल्थ हो जाएगी. और ये बिल्कुल रिजनेबल भी है. ये 1 kg का जो पैकेट है ये आपको 280 से 285 तक शॉप में, नॉर्मल शॉप में अवेलेबल है. तो आप ये यूज़ कर सकती हैं, ये बहुत अच्छा है. तो चलें फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसे किस तरीके से रेडी करना है. कलेजी मैंने पैन में डाल दी है. इसमें जैसा कि पता है कि कलेजी में हम पानी नहीं डालते हैं क्योंकि इससे कलेजी सख्त हो जाती है और वो फिर टेंडर नहीं होती है, ठीक है. तो यहाँ पे जो प्याज काट के रखा है मैंने डाला है, ये प्यासी के जो वाटर होगा उसी में कलेजी जो है अच्छे से टेंडर हो जाएगी. अब इसमें जाएगा गार्लिक जिंजर पेस्ट, साथ ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हसबे जरूरत नमक, और इसमें ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप. इन सबको मिक्स करके मैं मीडियम फ्लेम पे बॉइलिंग आने दूंगी क्योंकि मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया. तो मैं इसे फुल फ्लेम पे नहीं रखूंगी, इससे बर्न होने का डर है. ताकि मीडियम फ्लेम पे रखूंगी कि प्याज भी अपना पानी जो है वो इसमें छोड़े तो और उसी में कलेजी जो है टेंडर होती है. फिर ये बॉइलिंग आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ. अभी देखिए इसमें बॉइलिंग आ चुकी है, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है. अभी मैं इसको स्लो फ्लेम करके अब इसको टेंडर होने के लिए इसी में रहने दूंगी कवर करके, ताकि अच्छे से कलेजी जो है वो टेंडर हो जाए. साइड साइड से देखें कि ये इसी में बेक हो रही है, ठीक है, इसी में ये पक रही है. स्लो हीट करके इसे कवर कर दूंगी. कलेजी जो है वो टेंडर हो चुकी है. अब मैं इसे भूनूंगी और भूनते वक्त मैं इसमें डालूंगी यहाँ पे जो मैंने दही रखी थी, इसमें जाएगी दही, साथ ही इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर. ये देखिए दोनों चीज़ों को डाल के अब मैं इसे अच्छे से भूनूंगी. कलेजी भुना चुकी है, अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ. मसालेदार मसाला कलेजी मसाला किचन में तैयार हो चुकी है. इसके साथ ही आप मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.